Everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज मैं आपको कराऊंगी लेट चेंजेस आफ्टर डेथ. होल वीडियो होगी इसके अंदर प्यूटिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, ममिफिकेशन, ऑटोलाइसिस, ठीक है, एडिपोसिया एंड स्केलेटनाइजेशन एंड ममिफिकेशन भी. हाँ, ये सब एम्बाल्बिंग भी इसी के अंदर आएगी. ठीक है, ये सब वीडियोस जो टॉपिक्स हैं मैं इसी में कवर करूंगी. आपको एंड तक ये वीडियो देखनी है, आपको देखते देखते याद हो जाएगी लेट चेंजेस आफ्टर डेथ. ये साइंस ऑफ डेथ जो है, डेथ टॉपिक जो है, इसमें साइन ऑफ डेथ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 मार्क्स में बेसिकली पूछा जाता है, ठीक है, और 10 मार्क्स में ये कंप्लीट पूछा जाता है. और लेट चेंजेस आफ्टर डेथ भी आपको अलग से क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, 10 मार्क्स के लिए तो साइन ऑफ डेथ है, लेट चेंजेस भी आपको 4 या जितने मार्क्स में भी 10 मैक्सिमम करेंगे हम. ठीक है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको कराऊंगी. आपको ये ध्यान से वीडियो देखनी है. उससे पहले अगर इसने नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप रिसेंट की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, और या फिर आयुर्वेद जो व्यवहार आयुर्वेद है ना, व्यवहार आयुर्वेद की उसमें प्लेलिस्ट में चेक कर लेना. स्टार्ट करते हैं ये वीडियो लेट चेंजेस आफ्टर डेथ. तो लेट चेंजेस आफ्टर डेथ में मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है. सबसे पहले इसमें आता है डिकम्पोजिशन और मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन. क्या है डिकम्पोजिशन और मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन? अब देखो, डिकम्पोजिशन में भी क्या आता है, एक प्यूटरीफिकेशन और एक आता है ऑटोलाइसिस. क्या आता है, एक प्यूटरीफिकेशन, सेकंड इज ऑटोलाइसिस. मॉडिफाई में एडिपोसियर और ममिफिकेशन. मॉडिफाई में क्या आएगा, एडिपोसियर और ममिफिकेशन. और इसके अंदर क्या आता है आपके पास, प्यूटरीफिकेशन और ऑटोलाइसिस. अब इन दोनों का क्या आता है आपके पास, जो मैंने आपको बताया प्यूटरीफिकेशन और ऑटोलाइसिस, स्केलेटनाइजेशन. क्या हो जाएगा इनका, स्केलेटनाइजेशन. उसके बाद स्केलेटनाइजेशन में कंप्लीट डिसोल्यूशन हो जाता है या फिर फॉसल फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बॉडी. कॉम्प्लेक्स जो होती है वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगी, इनऑर्गेनिक, ब्रेक डाउन इंटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में. एंड ड्यू टू एक्शन ऑफ सेप्रोफाइटिक माइक्रोग्रिज्म, उस टाइम पे इस अब डिकम्पोजिशन पे क्या होता है कि जो माइक्रोग्रिज्म होते हैं ना, ये खाना शुरू कर देते हैं बॉडी को. ठीक है, इसमें भी एक अर्ली होते हैं, एक एडवांस डिकम्पोजिशन होती है. तो वो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, और एक पार्शल स्केलेटनाइजेशन या पूरी स्केलेटन बना देती है उसको. ठीक है, या तो अर्ली या फिर एडवांस या फिर कंप्लीट स्केलेटनाइजेशन या फिर पार्शल स्केलेटनाइजेशन. कौन कौन से माइक्रोग्रिज्म इन्वॉल्व होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची है, स्टेफाइलोकोकस है. ठीक है, जो आपको याद रहे वो कर लेना. और गैसेस में आपका H2S जो कि फाउल स्मेल करता है डेड बॉडी में, वो H2S होता है. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये सब होता है. अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म में तो क्या ही पढ़ोगे, सिंपल आपको यही याद रखना है कि जो भी कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको ये सिंपल में तोड़ देता है. ठीक है, और माइक्रोग्रिज्म के एक्शन की वजह से. और अभी इसमें दो बातें बता रखी हैं, ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन, है ना, ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन. तो पढ़ते हैं, अभी उन्होंने कहा है, अ थर्ड काइंड ऑफ पोस्टमार्टम डिस्ट्रक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड इन सम बॉडीज दैट आर नॉट डिस्पोज. उनके अंदर क्या होता है, जिनको डिस्पोज नहीं होता, ड्यू टू अटैक ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, डॉग, फोर, जैकल, इन सबको वहां पे खा लेते हैं. अब पहला पॉइंट आता है ऑटोलाइसिस. ऑटो मतलब खुद, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, स्वल्यन इसको बोलते हैं. 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है. रेफर टू द सिचुएशन वेयर अ बॉडी ओन एंजाइम, खुद की हमारी बॉडी ना खुद को खाना शुरू कर देती है, खुद के एंजाइम्स, जैसे कि प्रोटोलाइटिक एंजाइम, ग्लाइकोलाइटिक है, लिपोलाइटिक एक्शन करती हैं, फॉर्मेंट कोज ऑटो डाइजेशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गन्स. खुद को कौन कौन से, प्रोटोलाइटिक, ग्लाइकोलाइटिक, लिपोलाइटिक, कौन कौन से, प्रोटियो, ग्लाइको, लिपोलाइटिक एक्शन. ठीक है, ये क्या करती हैं, ऑटो डाइजेशन कर देते हैं, डिसइंटीग्रेशन कर देते हैं ऑर्गन्स का, एंड अकर विदाउट बैक्टीरियन इन्फ्लुएंस. ठीक है, इनमें कोई बैक्टीरिया की जरूरत नहीं होती. द अर्लीस्ट ऑटोलाइसिस चेंजेस अकर इन पैरेन्काइमस एंड ग्लैंडुलर टिश्यू एंड इन अ ब्रेन. कहां पे होती है ऑटोलाइसिस, पैरेन्काइमा में, जो फंक्शनल पार्ट होता है आपके ऑर्गन का, एंड ग्लैंडुलर टिश्यू दैट्स इज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो सिक्रीशंस हैं वो, और ब्रेन में. इन एडल्ट सच डाइजेशन में स्टार्ट बिफोर डेथ. एडल्ट में तो स्टार्ट हो जाते डेथ से पहले ये सिचुएशन, इन केस ऑफ इंट्राक्रेनियल लेजन एंड टर्मिनल पायरेक्सिया. ठीक है जी, बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है तब ये जो होता है, ये पहले ही डेथ से पहले ही ये सिचुएशन आ जाती है कि जो खुद के बॉडी के एंजाइम होते हैं ना, खुद को ऑर्गन्स को खाना शुरू कर देते हैं. ऑटो डाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, आपको पता है पेट के अंदर भाई है ना,
गेस्ट्रोमेलेशिया में अकर फ्रॉम पेप्सिनोजन एंड एससीएल रिलीज विच मे इवन कॉज परफोरेशन ऑफ स्टमक, जो क्या कर देती है स्टमक का परफोरेशन कर देती है, ठीक है। इन दैट बॉर्न मैसिरेशन, मैसिरेशन एंड एसेप्टिक ऑटोलाइसिस ऑफ डेड फिटस इन यूट्रो इज सीन, ठीक है। और बच्चों में भी जो पेट में ही होते हैं, गर्भ में ही होते हैं, उनमें भी ये चीज मैसिरेशन उसको बोलते हैं, जो बच्चों में दिखती है ना वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सटर्नल साइंस ऑफ डिकम्पोजिशन, क्या क्या मिलेंगे, 4D, डिस्कलरेशन, डिस्टेंशन, डिग्रेडेशन, डिसोल्यूशन। डिस्कलरेशन, डिस्टेंशन, डिग्रेडेशन, डिसोल्यूशन। डिस्कलरेशन, ग्रीनिश डिस्कलरेशन मिलेगा लोअर एब्डोमिनल में। डिस्टेंशन, वेरियस गैसेस प्रोड्यूस होती है वहां पे जो कि परमिट करती है इनटू स्किन में, ठीक है। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब कि आपको डी ग्लविंग स्किन और हैंड की, मैंने ग्लव एंड स्टॉक लिविडिटी पढ़ाई थी, तो अगर आपने वो वीडियोस मेरी पहले देखी होगी डेथ की ना, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। डिसोल्यूशन, प्रोग्रेसिव डिकम्पोजिशन लीड टू लिक्विफिकेशन एंड डिसअपीयर ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड मेटल स्केलेटन। इसके अंदर तो सारा का सारा प्रोग्रेसिव डिकम्पोजिशन हो जाता है, लिक्विफिकेशन हो जाती है, और सारी जितने भी टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, इनका क्या हो जाता है, डिस अपीयरेंस हो जाता है। अब आता है मार्बलिंग ऑफ स्किन, क्या होता है। द ब्लड वेसल्स प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट रूट थ्रू विच द बैक्टीरिया कैन स्प्रेड विद ईज थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड वेसल ने एक ऐसा बहुत अच्छा रूट काम करते हैं जिससे बैक्टीरिया क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो देयर पैसेज इज मार्क बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन टू सेल्फ मिथोहीमोग्लोबिन ब्लड वेसल्स। जब हमारा HB की जंग है, सेल्फ मिथोहीमोग्लोबिन आ जाता है ना, सब क्या होता है, ग्रीनिश और रेडिश ब्राउन स्टेनिंग आपके इनर वॉल ऑफ सुपरफिशियल वेसल्स में मिलती है, ग्रीनिश और रेडिश ब्राउन। दिस इज सीन एज लीनियर ब्रांचिंग पैटर्न। ये कैसा ब्रांचिंग देखते हैं, लीनियर, जैसे लाइंस ने खींच दे दे। और मार्बलिंग, जैसे कि इन्होंने बोला कि जैसे ये रोड्स पे आपने देखो अगर लाइंस लगी रहती है, तो उसकी तरह इसमें से रोड मैप की तरह अपीयरेंस आती है स्किन में। कब होता है, जब आपका हीमोग्लोबिन, सेल्फ हीमोग्लोबिन के कारण इसके अंदर जो बिल्कुल ग्रीनिश और रेडिश ब्राउन स्टेनिंग आ जाते हैं ना वेन्स के अंदर, उसको बोला है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला एरिया वेयर विजिबल, कहाँ मिलेगा, फर्स्ट शोल्डर, ये भी इम्पोर्टेंट है, मार्बलिंग ऑफ स्किन कहाँ मिलता है, फर्स्ट शोल्डर, देन रूट ऑफ लिम्स, देन थाइस, देन साइड ऑफ एब्डोमन, देन चेस्ट एंड देन नेक। पहले ऊपर था, फिर सीधा नीचे जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, मतलब कि पहले तो इन्होंने बोला है कि शोल्डर में होगा, देन रूट ऑफ लिम्स में बोला है, फिर थाइस में, फिर एब्डोमन के साइड में, फिर चेस्ट और नेक में। ऑनसेट 24 आ रहा है समर में, 36 to 48, मतलब 2 घंटे लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं विंटर्स में। लीवर कैसा दिखता है, लीवर हनीकॉम्ब के जैसा दिखता है बिल्कुल ना, ठीक है। ब्रेन पिंकिश ग्रे ऐसा सा मिलेगा, हैमरेज मिलती है, हेमेटोमा, वो भी आपको वहां पे नोट करनी है। हर्ट भी कहता रहे, सॉफ्ट और फ्लैबी सा रहता है, डायलेशन ऑफ कार्डिक चैम्बर, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस इसके अंदर मिलता है, ठीक है। हार्ट में शो वाइट ग्रेनुलैरिटी कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम और सॉपी मटेरियल, कैल्शियम और सॉप, सॉप सा हार्ट के ऊपर मिलेगा। एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम सरफेस उसको बोलते हैं, मिलियरी प्लेट, क्या बोलते हैं इसको, मिलियरी प्लेट, ठीक है। तो इसके अंदर वही आएगा कि हर्ट के ऊपर जो सॉपी सॉपी सा होता है उसको बोलते हैं मिलियरी प्लेट। प्रोस्टेट और यूट्रस नस एक ऐसी, अगर वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लास्ट में कौन सा ऑर्गन या कौन सा पार्ट जो होता है वो डिकम्पोजिशन होता है, और किससे हम पहचान सकते हैं कि ये मेल है फीमेल है, प्रोस्टेट और यूट्रस सबसे लास्ट में डिकम्पोजिशन होती है इनके, ठीक है। अब आते हैं पोस्टमार्टम ल्यूमिनेसेंस। आपने कभी देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि ना मैंने ना आत्मा निकलते हुए देखी है ना, सुना होगा यार, तो वो कुछ नहीं होता, वो एक्चुअली बैक्टीरियाज होते हैं, वो फोटोबैक्टीरियम फिशरी होता है जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन, दीज आर द चेंजेस प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण होता है, वो बॉडी को खा लेते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, टेम्परेचर भी पता होता है, तो इसमें एक्सटर्नल इंटरनल आता है कि एक्सटर्नल देखते हैं कि प्यूट्रिफिकेशन कब होती है, कि ज्यादा टेम्परेचर है, मॉइस्चर, एयर, क्लॉथिंग, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। इंटरनल में उसके एज, सेक्स, कॉज ऑफ डेथ, एक्सटर्नल इंजरी, कंडीशन, ये सब आता है। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस, ये श्योर है, साइन रहता है डेथ का, डिकम्पोजिशन चेंजेस टाइम सिंस डेथ का पता चल जाता है। और फिर आता है इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ सबमर्ज बॉडी, बेसिकली कैस्पर डिक्टम, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैस्पर डिक्टम स्टेट दैट
द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन एयर मैं सिंपल बताती हूँ, 1:2:8 जो मैंने पेंसिल से लिख रखा है यही रट लेना, 1:2:8 मतलब कि सबसे ज्यादा एयर में जल्दी वो होगा वो डिकम्पोजिशन, फिर वाटर में, और देन उससे लेट होता है, 8 गुना लेट होता है ब्यूरिल में, मतलब मिट्टी में दबा के, ठीक है, 1:2:8 एयर वाटर एंड ब्यूरियल में, समझ आया? एक इज 1 वीक, 2 इज 2 वीक एंड दिस इज 8 वीक, ठीक है, ये आता है इसके अंदर. सो द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन वाटर इज स्लो ड्यू टू एक्सक्लूजन ऑफ एयर, प्रोटेक्शन बाय क्लोथ्स, ये सब इसके अंदर आएगा, ठीक है, अर्ली कूलिंग ऑफ बॉडी. और उसके बाद आता है एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी बेसिकली कुछ नहीं होता, जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं. एंड 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 इसमें से आपको इतना खास कुछ नहीं है, एक पूछा भी नहीं जाता. देखो एग्स छोड़ता है वो फर्स्ट लार्वल स्टेज, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट फ्लाई बन जाता है वो, बस इतना ही कुछ है. अब आता है एडिपोसियर. एडिपोसियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सेफोनिफिकेशन इसको कहते हैं. कुछ नहीं है, जो हमारा फैट होता है ना वो हाँ एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. एडिपोसियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन ऑफेंसिव स्वेट, रेंसिड स्मेलिंग सॉफ्ट व्हाइटिश और ग्रेइश वाइट वैक्सी ग्रीसी मटेरियल सिमिलर टू सोप बन जाता है वो, ठीक है, ये इतना कुछ नहीं है. अब ये जो बना रखे फ्लोचार्ट ये कर लो इसमें से, क्योंकि ज्यादा डीप नहीं जाना हमें, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग करो या 4 के, उससे ज्यादा तो हमें करना ही नहीं है. फैट इन बॉडी, बॉडी के अंदर फैट है, हाइड्रोलाइसिस होएगी, वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आता है, फिर उसकी हाइड्रोजिनेशन होती है, फिर वो सेचुरेटेड बनता है, फिर एडिपोसियर हो जाता है. फैट है उसकी क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस होएगी, ठीक है, पहले तो ब्रेक डाउन हो रही है, फिर वो अनसेचुरेटेड हो रहा है, फिर उसमें जिनेशन होती है, एड होता है, फिर वो सेचुरेटेड बनता है और फिर वो एडिपोसियर हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट आता है ममिफिकेशन. इट इज अ रैपिड डिहाइड्रेशन, डिसेक्शन एंड शिवरिंग ऑफ द बॉडी, इवोपरेशन ऑफ वाटर, सारा ना पानी निकल जाता है इसके अंदर. ममिफिकेशन, ममीज बॉडी आपने देखी होंगी, बिल्कुल ढांचा सा बन जाता है, वही सब है इसके अंदर. और फीचर्स इसके क्या है, द फीचर्स ऑफ बॉडी आर स्टे प्रिजर्व रहती है उसके साथ अंदर, लेकिन उसकी स्किन सूख जाती है, ठीक है, और पार्चमेंट लाइक बन जाती है, रेंडर फिंगर्स टू टॉयज इन हार्ड बन जाते हैं बिल्कुल वो. और इसके अंदर क्या बताऊं मैं आपको, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ममिफिकेशन ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी स्टेटेड. पेरिफेरल ममिफिकेशन इज फेयरली कॉमन फिनोमेना. इन कॉम्प्लीमेंट्री एनवायरमेंटल कंडीशन द चेंजेस में अकर बिटवीन 3 वीक्स और 3 मंथ रफली लगते हैं, और डिस्ट्रक्शन तो इसकी बहुत लेट होती है ममिफिकेशन की ना. उसके बाद इसके अंदर आते हैं फैक्टर्स, साइज ऑफ बॉडी क्या है, एटमोस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, एयर मूवमेंट आती है, प्लेस ऑफ डिस्पोजल कैसा है, मेडिको लीगल में सब में सेम आता है, साइन ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ आता है, ठीक है जी, ये सब इसके अंदर आता है. और प्लीज सो तो नहीं गए, कभी सोच रहे यार इतनी लंबी कर दी वीडियो, बस लेट चेंजेस मुझे कंप्लीट कराना था, इसका थोड़ा सा हो गया लेट यार, तो प्लीज. हाँ उससे पहले एक और बात, किसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो इतना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे मेरी कोई भी आने वाली वीडियो के आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख लें, ठीक है, और आपको उससे कुछ बेनिफिट मिल ही जाए यार, ठीक है जी. सो अब आता है स्केलेटनाइजेशन ऑफ बॉडी, स्केलेटन है ना, इन बस मैं थोड़ा थोड़ा कराऊंगी, ज्यादा नहीं, 1 साल लगता है पूरा स्केलेटन में तो, ठीक है. और हाँ प्रिजर्व बता रखे इन्होंने, मैं आकर नेचुरली भी रख सकते हैं. मेथड्स आर फ्रीजिंग द बॉडी बिटवीन बिलो 0 डिग्री और -17 और 18 डिग्री पे उसको प्रिजर्व करके रखना है, और उस बॉडी में केमिकल एजेंट जैसे लेड सल्फाइड आर्सेनिक है ये सब कर सकते हो, जिससे उसकी ऑटोलाइसिस ना होए, ठीक है, और एम्बाल्मिंग कर सकते हो. अब एम्बाल्मिंग क्या होता है, एम्बाल्मिंग क्या बोलते हैं इसको, थैनेटोपैरेक्सिया, क्या बोलते हैं इसको, थैनेटोपैरेक्सिया. इट इज आर्ट होती है, ये आर्ट और साइंस होती है प्रिजर्व करने की दैट बॉडी को एंटीसेप्टिक और प्रिजर्वेंट्स में. क्या गोल रहता है, एक तो सैनिटाइजेशन करना है, प्रेजेंटेशन रखना है और प्रिजर्व रखना है. रीजन दिस मे बी रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक डिस्प्ले के लिए, ठीक है, जिसको रखा जाता है. और
एनाटॉमिकल एम्बाल्मिंग आती है। अब ना इसके अंदर क्या करते हैं, इसके टिश्यूज को स्वेल करने के लिए एल्डिहाइड डालते हैं इसके अंदर, तो वो थोड़ा ग्रे से कलर का होता है, तो इस कारण से फॉर्मेल्डिहाइड ग्रे या एम्बाल्मर ग्रे कहते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एम्बाल्मिंग फ्लूड कौन कौन से डालेंगे, जैसे कि ग्लिसरीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, यूकलिप्टस ऑयल, ठीक है, पता है यूकलिप्टस ऑयल जो सफेदा नहीं होता, पॉपुलर सफेदा सुना वही होता है, अब सफेद होता है ये, ठीक है। मिथेनॉल है, फिनोल है, वाटर है, ये सब होते हैं। डिसएडवांटेज क्या रहते हैं इसके अंदर, कोई इंजरी नहीं हम इंटरप्रिएट कर सकते उसमें, कोई साइनाइड अल्कोहल ये वगैरह नहीं डिटरमाइन कर सकते, ठीक है, ब्लड ग्रुप नहीं पता चलेगा, कोई थ्रॉम्बी कोई एम्बुली ये भी नहीं पता चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फेट ऑफ बॉडी क्या होगा उसका, प्रिजर्व करके रखेंगे बस। अब आते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एडिपोसिया फॉर्मेशन, एनवायरमेंटल टेम्परेचर मॉइस्चर, ये सब में यही पॉइंट आएंगे, मेडिको लीगल में भी सबके सेम पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेट चेंजेस खत्म होता है और ये कुछ अलग से टॉपिक्स हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ सर्वाइवलशिप आता है, ठीक है, ये कुछ 2-3 पेज बस और है, प्लीज थोड़ा सा साथ दो यार, ठीक है, ये फिर आपका डेथ वाला टॉपिक जो है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज ध्यान से सुनना, पानी पुनी पी लो, थोड़े से माइंड फ्रेश कर लो, ठीक है। देखो होगी फ्रेश, चलो 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं यार ये। प्रिजर्वेशन ऑफ सर्वाइवलशिप मतलब कि 2 पर्सन हैं, एक ही फैमिली के हैं, दोनों भाई हैं, एक साथ उनकी डेथ हुई है, अब हमें पता लगाना है कि कौन पहले मरा है कौन बाद में मरा है, एक साथ हुई है, ठीक है, और जो पहले मरा होगा या जो वो होगा मतलब जो बड़ा होगा उसको ज्यादा मतलब कि पैसे वगैरह मतलब कि उसको प्रॉपर्टी वगैरह मिलते, ऐसा कुछ इसमें सिस्टम है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ इंजरी, मोड ऑफ डेथ, एज। अब देखो यंग वाला ज्यादा रहेगा, एल्डर तो ज्यादा जल्दी मर जाएगा, ठीक है। सेक्स मेल ज्यादा डोमिनेंट है भाई, फीमेल तो चलो घबरा घुबरू के खत्म कर देगी अपने सांस। कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रॉन्ग और रिवर्स विद स्टैंड बेटर देन वीक, स्ट्रॉन्ग वाले ज्यादा जिंदा रहेगा, वीक वाला फटाफट मर जाएगा। नेचर अगर हेमरेज हुआ है वाइटल ऑर्गन में कुछ भी तो ऐसे पता चल जाएगा उसकी जल्दी डेथ हुई है। स्विमर वाला बच जाता है मतलब कि वो बाद में मरा होगा नॉन स्विमर की अपेक्षा, ठीक है। तो ये है, अब आता है प्रिजर्वेशन ऑफ डेथ की, डेथ के भी कुछ सेक्शन है इसके अंदर, बॉडी नहीं मिलती है, 107 लगता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। स्टेट दैट अ पर्सन इज प्रिज्यूम बींग अलाइव, प्रिज्यूम करते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन देर इज नथिंग टू सजेस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ विद इन 30 ईयर्स, 30 सालों से हमें उसका कुछ पता ही नहीं है, बट फिर भी 30 सालों तक उस बंदे को हम जिंदा मानते हैं एज अंडर सेक्शन 107 इंडियन एविडेंस एक्ट। 108 क्या बोलता है, 7 साल तक किसी ने उसके बारे में नहीं सुना, कोई बंदा कहता है कि नहीं भाई मैंने तो देखा है, उसको वहां पे प्रूव करना पड़ेगा कि भाई दिखा तूने यही बंदा देखा है नहीं देखा, ठीक है, तो उसको वो सेक्शन लगता है 108। अब आता है आपके पास टाइम सिंस डेथ निकालने का कुछ फॉर्मूलेस। पोस्टमार्टम इंटरवल, इट इज अ टाइम दैट इज हैव एलैप्स सिंस अ पर्सन हैज डाइड, इट इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन डेथ एंड द एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी, डेथ होने से लेके एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी तक का जो बीच का टाइम है ना वो पोस्टमार्टम इंटरवल होता है। टेनेटोकेमिस्ट्री होता है टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द टाइम सिंस डेथ बाय केमिकल मीन्स, ठीक है जी, टाइम सिंस डेथ निकालते हैं केमिकल मीन्स के द्वारा। पोस्टमार्टम इंटरवल इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी, और डिस्प्रूव करने के लिए कोई भी। अब आता है चेंजेस यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग टाइम सिंस डेथ, आई चेंजेस, एल्गर मोर्टिस, जो भी हमने सारी टर्म्स पढ़ी है वो सारी लिख देना, अब ये आपके हाथ का क्वेश्चन है, ठीक है, लिख दोगे ना चेंजेस क्या क्या आते हैं कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। चेंजेस इन आई ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो एट लास्ट आपका यहाँ पे दैट टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर किसी ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज वो वाली वीडियोस देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी रिसेंट और व्यवहार आयुर्वेद की। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है, एंड लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, ठीक है, कुछ क्वायरी हो कुछ भी हो आप मुझे पूछ लेना, कमेंट कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।